गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए हमारी टीम जिला बिजनौर के ब्लॉक बुढ़नपुर सिहारा में स्थित बमनोली गांव पहुंची। इस समय सीमा देवी को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें यहां के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। लगभग 1800 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 51 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 6 किलोमीटर ही है। लगभग 900 वोटर वाला यह गांव विकास के पद पर अग्रसित है। गांव की मौजूदा स्थिति से रूबरू होते हुए हमने पाया कि गांव में लगभग 260 राशन कार्ड धारक हैं। वहीं पता चला कि गांव में 6 विधवा पेंशन, 6 वृद्धा पेंशन व 7 विकलांग पेंशन लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी विद्यालय में लगभग 81 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 21 हैंडपंप लगवाए गए हैं। वहीं 5 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए 70 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगवाई गई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला व स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, स्वास्थ्य केंद्र, खेल का मैदान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5 शौचालयों का भी निर्माण कराने की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। इसके साथ ही गांव में सौर ऊर्जा व कूड़ेदान लगवाने की भी मांग की है। मेरा नाम इरशाद हुसैन, ग्राम पंचायत बांकोली, ब्लॉक बहेड़ी, जिला बरेली से। हमारे यहाँ जो भी निधि दी गई थी हमने उसे अपनी ग्राम पंचायत में खड़ंजे, नाली निर्माण, पंचायत घर मरम्मत, बाउंड्री वाल, उसका एक गेट भी लगवाया है और स्ट्रीट लाइट वगैरह, सीसी रोड कराए हैं, हैडपम्प रिवोर कराए और शौचालय भी बनवाए हैं। हमारे यहाँ पीएमए आवास भी बने हैं जिसमें विधवा पेंशन भी बनवाई है, वृद्धा पेंशन बनवाई, विकलांग पेंशन भी बनवाई है, सारे काम कराए गए हैं। उसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल की बाउंड्री, हैडपम्प, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पशु चिकित्सा केंद्र, पानी की टंकी, ट्यूबवेल, वहाँ यहाँ शमशान भूमि में साइट बननी है, सीसी रोड, खरंजा, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट वगैरह लगनी है। सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि विकास के लिए निधि दी जाए ताकि मैं पूर्ण रूप से कार्य करा सकूं। मेरा नाम नरेश कुमार, मैं ग्राम पंचायत बांकोली से रोजगार सेवक हूं और हमारे प्रधान जी ने काफ़ी अच्छा काम कराया है और कुछ समस्याएं जो उन्होंने रखी हैं उनकी मांग करी जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद देता हूं कि हमारे गांव में आए यहां पर और उन्होंने अपना ये प्रोग्राम रखा, इसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। अपने यहाँ मेरे यहाँ विकास कराने के लिए और बहुत से काम कराए जाएँ।